हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक 24 वोल्ट 15 इंच का बैटरी पैक बनाकर दिखाऊंगा। आपके पास इलेक्ट्रिक साइकिल है, उसके लिए आप बैटरी पैक बनाने की सोच रहे हो दोस्तों, तो सही जगह पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको दोस्तों डिटेल में दिखाऊंगा बैटरी पैक कैसे बनती है, बैटरी पैक बनाने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बैटरी पैक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों बैटरी का सेल। आप कौन सी बैटरी का सेल यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा दोस्तों आपका बैटरी का बैकअप कितना देगा, ठीक है ना। तो देख पा रहे हो मेरे पास जो बैटरी का सेल है दोस्तों, ये ओरिजिनल है दोस्तों, देख पा रहे हो ये होंगली कंपनी का बैटरी का सेल है, 3C रेटिंग वाला ईवी ग्रेड, ठीक है ना। 2600 mAh का एक बैटरी का सेल है दोस्तों, ये ओरिजिनल है, जो इलेक्ट्रिक साइकिल में यूज़ होता है दोस्तों वो वाला बैटरी है दोस्तों। तो बाजार में जो इजीली मिल जाती है दोस्तों बैटरी का सेल, वो बैटरी का सेल दोस्तों अच्छा नहीं होता है दोस्तों, वो 3C रेटिंग वाला नहीं होता है, ईवी ग्रेड नहीं होता है दोस्तों, वो नॉर्मल बैटरी का सेल होता है। उससे आप बैटरी पैक बनाते हो तो उतना अच्छा बैकअप नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप ईवी ग्रेड बैटरी का सेल यूज़ कीजिए। ये जो ईवी ग्रेड बैटरी का सेल है दोस्तों, मैं कहाँ से परचेस किया, आप परचेस करना चाहते हो तो इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, उस वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में बताया मैं कहाँ से परचेस किया, कितना इसका प्राइस है, पूरी डिटेल में बताया दोस्तों। उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो आई बटन पर मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिए। तो दोस्तों बैटरी पैक बनाने के लिए बस मुझे इतना ही बैटरी चाहिए, देख पा रहे हो 6 बैटरी पैरेलल में कनेक्शन होगा, 7 बैटरी सीरीज में कनेक्शन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले सारे बैटरी को आपका वोल्टेज चेक कर लेना है, वोल्टेज सेम होना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए मैं मल्टीमीटर से फटाफट इसको चेक कर लेता हूँ। जो 3 बैटरी आप देख पा रहे हो, ये 3.4 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों, इसलिए इसके साथ मैं नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज सेम होना जरूरी है दोस्तों। देख पा रहे हो ये 3.4 वोल्ट दिखा रहा है, तो इस बैटरी को मैं चेंज कर दूंगा, 3.4 वोल्ट आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, देखिए 3.4 वोल्ट। इसको लगाकर देखते हैं कितना वोल्टेज दिखा रहा है, इसको मैंने चेंज कर दिया, तो देख पा रहे हो दोस्तों 3.5 और 6 दोनों बैटरी में ले रहा हूं दोस्तों, 3.56 और 3.4 थोड़ा सा कम हो जा रहा था दोस्तों, देख पा रहे हो 3.6। ये भी देखो 3.6 और 3.5 में ले रहा हूँ दोस्तों, सभी बैटरी सेम है। तो इस बैटरी को अभी काम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं पैरेलल में कनेक्शन करूँगा, उसके लिए दोस्तों 6 बैटरी में एक साथ जोड़ लूँगा दोस्तों पैरेलल में, इस तरह से देख पा रहे हो, जो पॉजिटिव है दोस्तों एक तरफ रहेगा, जो नेगेटिव है दोस्तों एक तरफ रहेगा, 6 बैटरी एक साथ देख पा रहे हो इस तरह से। सारे बैटरी के ऊपर सेलो टिप लगाना हो गया दोस्तों, देख पा रहे हो ये पेपर का सेलो टिप है दोस्तों, कागज का, तो आप चाहो आपके पास जो है वो आप लगा सकते हो, देख पा रहे हो इसको लगा दे सारे बैटरी को। तो अभी क्या करना है दोस्तों, इस बैटरी को इस तरह से सजाना होगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो एक रखना है दोस्तों पॉजिटिव और एक रखना है दोस्तों नेगेटिव, इस तरह से दोस्तों आपको सजाना होगा, देख पा रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद और एक पॉजिटिव, इस तरह से दोस्तों आपको पूरा बैटरी को करना होगा दोस्तों सीरीज में कनेक्शन करने के लिए, इस तरह से पैरेलल में कनेक्शन होगा, इस तरह से सीरीज में कनेक्शन होगा। तो उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद फिर से नेगेटिव, उसके बाद फिर से पॉजिटिव। तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल सजाना होगा और चारों तरफ में अच्छे से सेलो टिप लगाकर चारों तरफ। तो दोस्तों अभी करना है इसको स्पॉट वेल्डिंग, तो देख पा रहे हो मेरे पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। तो आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन नहीं है तो आप सोल्डरिंग आयरन का भी यूज़ कर सकते हो, देख पा रहे हो ये मिनी स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, 12 वोल्ट से चलती है दोस्तों। तो ये जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन है दोस्तों काफ़ी सस्ते में आ जाती है, लगभग 1600 रुपये में इसको लिया था मैकार बाज़ार से। आप परचेस करना चाहते हो तो आप मैकार बाज़ार से मिल जाएगा इसको, आप आराम से बाई कर सकते हो। और ये रहा मेरे पास निकल स्ट्रिप, तो अभी चलिए स्पॉट वेल्डिंग करना शुरू करते। तो इस मशीन को देख पा रहे हो डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा, तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों स्पॉट वेल्डिंग करना करते हैं शुरू। तो इस तरह से बिल्कुल आपको निकल स्ट्रिप को रख देना है दोस्तों।
पैरेलल में स्पॉट वेल्डिंग करना हो चुका है कंप्लीट। आप देख पा रहे हो दोनों तरफ मैंने कर दिया। अभी करना है दोस्तों सीरीज में, तो सीरीज में करने के लिए देख पा रहे हो दोस्तों इस तरह से आपको डायग्राम पहले बना लेना है। देख पा रहे हो ये रहा पॉजिटिव दिख, पॉजिटिव से दोस्तों आपको पीछे की तरफ इस तरह से आना है। इस तरह से देख पा रहे हो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ बस आपको इस तरह से करना है और कुछ नहीं देखना है दोस्तों। देख पा रहे हो इस तरह से बस आपको कनेक्शन करते जाना है, इस दोनों को जोड़ना होगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद इसको छोड़ने के बाद इस दोनों को जोड़ना होगा, उसके बाद इस दोनों को छोड़ने के बाद इस दोनों को जोड़ना होगा और पिछली तरफ देख पा रहे हो इस दोनों को जोड़ना होगा। जिस तरह से दोस्तों मैंने डायग्राम किया बस इस तरह से आपको स्पॉट वेल्डिंग कर देना है। तो चलिए पहले मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों स्पॉट वेल्डिंग करना हो चुका है कंप्लीट। आप देख पा रहे हो सीरीज में कनेक्शन कर दिया जिस तरह से भी दोस्तों डायग्राम किया है उस तरह से आपको करना है दोस्तों। इजी है, काफ़ी इजी है इसको करना। देख पा रहे हो आप पहले इस डायग्राम को आपको कर लेना है तो आपको आसानी होगी स्पॉट वेल्डिंग करने में। देख पा रहे हो दोनों साइड मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है दोस्तों, अभी लगाना होगा BMS। BMS लगाने के लिए दोस्तों जो BMS में यूज़ करने वाला हूँ, चलिए पहले वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ए वाला BMS में यूज़ करने वाला हूँ, 20 एम्पियर का ये BMS है, 7S 20 एम्पियर, ठीक है ना। और ये रहा इसका वायर, इसको जो कैसे कनेक्शन करते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और बहुत लोग सोचते हैं दोस्तों BMS कनेक्शन करना बहुत मुश्किल है, बहुत लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है BMS कनेक्शन करना। तो वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, A to Z डिटेल में दिखा दूंगा किस तरह से इसको कनेक्शन करना है। तो चलिए दोस्तों आपको मैं BMS लगाना सिखाता हूँ, ये जो कनेक्शन है दोस्तों कैसे करना होगा। तो सबसे पहले देख पा रहे दोस्तों मैंने मार्किंग कर लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। जो 6 वायर है दोस्तों बीच में आपको 6 वायर मिल जाएगा, इसलिए दोस्तों 6 मार्किंग आपको ठीक ठाक मिल जाएगा सेम, ठीक है ना। और जो ब्लैक वायर इधर दिख रहा है दोस्तों, ये ब्लैक वायर आपको नेगेटिव पे लगाना होगा, नेगेटिव जो है दोस्तों इधर नेगेटिव इसको लगाना होगा। उसके बाद जो रेड देख पा रहे हो दोस्तों इधर आपको पॉजिटिव पर लगाना होगा, देख पा रहे हो इधर पॉजिटिव है, इधर आपको लगाना होगा और 6 वायर बीच में ही लग जाएगा। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, देख पा रहे हो जो पहले नंबर पर जो तार है दोस्तों वो लगाना होगा, 1 नंबर पर इधर लगाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो 2 नंबर तार देख पा रहे हो दोस्तों वो लगाना होगा नीचे दोस्तों इस साइड 2 नंबर पर लगाना होगा। जो 3 नंबर तार देख पा रहे हो दोस्तों वो आपको लगाना होगा इधर 3 नंबर। जो 4 नंबर तार देख पा रहे हो दोस्तों वो लगाना होगा इधर 4 नंबर पर। जो 5 नंबर देख पा रहे हो दोस्तों वो 5 नंबर पर लगाना होगा। 6 नंबर पर इधर आपको लगा देना है, तो सारे तार कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वायर को लगाना हो गया कंप्लीट, आप देख पा रहे हो इधर बस BMS को इधर लगा देना है दोस्तों, देख पा रहे हो। और ये जो देख पा रहे हो दोस्तों इधर B- लिखा है BMS में, चलिए इधर देख पा रहे हो दोस्तों B- लिखा है और इधर P- लिखा है। जो P- है दोस्तों ये हमारा नेगेटिव वायर होगा, मेन नेगेटिव वायर, ठीक है ना। और जो हमारा B- है दोस्तों ये हमें बैटरी के माइनस में लगाना होगा। तो देख पा रहे हो इधर वायर में निकल लिया और ये हमें लगाना होगा दोस्तों बैटरी के, इधर देख पा रहे हो दोस्तों जो B- बैटरी का जो माइनस है दोस्तों माइनस पॉइंट इधर आपको लगाना होगा। तो चलिए इधर मैं लगा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारा मेन पॉजिटिव वायर कहाँ से निकलेगा वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए पहले मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो देख पा रहे हो इधर दोस्तों मैं सोल्डरिंग कर दिया, जो B- था दोस्तों बैटरी की माइनस में आपको लगा देना है।
और जो पी माइनस है दोस्तों वो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव वायर तो हमारा मेन वायर हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव मेन वायर, ठीक है ना। और जो पॉजिटिव वायर है दोस्तों मेन पॉजिटिव वायर, वो दोस्तों आपको जो बैटरी का पॉजिटिव है दोस्तों पॉजिटिव साइड इधर से ही आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। तो अभी जो देख पा रहे हो दोस्तों ये जो बी एम एस है आपको इधर लगा देना है इजिली, तो इसको मैं लगा देता हूँ। तो ये लगाना हो चुका है दोस्तों बी एम एस, तो अभी चारों तरफ अच्छे से सेलो टिप लगा देना है। सबसे पहले आपको मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ ये कितना वोल्टेज दिखा रहा है अभी। तो देख पा रहे हो दोस्तों ये 25.3 वोल्ट देख पा रहे हो आप, देखो 25.3 वोल्ट, मतलब इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको पैकेजिंग आपको आपके हिसाब से आप कर सकते हो। तो चारों तरफ मैं सेलो टिप लगा दूंगा, तो चलिए मैं लगा देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों 15 इंच का बैटरी पैक कंप्लीट हो चुका है आप देख पा रहे हो। तो बैटरी पैक बनाना दोस्तों काफ़ी इजी है, आप घर पर इजीली बना सकते हो। तो ये जो बैटरी का सेल मैं यूज़ किया दोस्तों वो आपको परचेस करना है तो मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो पर जाकर आप देख सकते हो, आई बटन पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।